वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अ कैजुअल वेडनेसडे आफ्टरनून टर्न्स इनटू अ फैबुलस वेडनेसडे आफ्टरनून ऑल थैंक्स सिद्धार्थ आनंद। वेल फ्रेंड्स, एक रैंडम एक्सपोज था जहां पर किसी ने ऋतिक रोशन का क्रिश का जो आउटफिट पहना हुआ ऋतिक रोशन ने उसका एक रैंडम फोटो पोस्ट किया था एंड लिखा था ही इज कमिंग #Krish4। फैंस यूजली जितनी भी सीक्वल्स रहते हैं, चाहे वो धूम का फोर्थ पार्ट हो, क्रिश का हो या फिर जो भी फ्रेंचाइजीज हो, हेरा फेरी 3 हो, उसको एक्साइटेड रहते हैं लेकर। उसके कोई फैन मेड पोस्टर्स जो है उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते रहते हैं, लेकिन टू द सरप्राइज ऑफ द यूजर एंड टू सरप्राइज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, सिद्धार्थ आनंद डिसाइडेड टू वेक अप वन वेडनेसडे मॉर्निंग create rampage on social media, and guys literally this is the best news which has come out now. You guys, ये film बहुत साल से pending है and Hrithik Roshan का stardom, अगर कोई film जो है वो justify कर सकती है कि Hrithik कितना बड़ा star है, the man who gave tough competition, in fact the only man who gave tough competition to the Khans, that is none other than Hrithik Roshan in bold capital letters. I still remember Agnipath की opening जो थी, उसने industry को थर थर आकर रख दिया था। Hrithik Roshan commands that kind of box office pull, and Hrithik Roshan ने अपने box office को पिछले कई सालों से बहुत हल्के में लिया है। He needs to do those mass films, he needs to do Krish, he needs to come back, Rohit needs to come back, and guys Hrithik Roshan as Krish needs to come back. मुझे आज भी याद है जब Krish 3 रिलीज हुई थी, शाम को Hrithik Roshan पूरा घूम रहा था, बैंड्रा, जुहू, चंदन, विवेक ओबरॉय को लेकर। ऋतिक रोशन खुद सरप्राइज था कि ये फिल्म ने ऐसी बाप ओपनिंग किस तरह से ली थी। 2013 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर खान्स के अलावा बहुत कम एक्टर्स है जो चलते थे गाइस, ऋतिक रोशन यू नो कमांडेड दैट काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस। चाहे वो धूम 2 हो, चाहे वो क्रिश 1 हो, या फिर क्रिश 2 हो, कोई मिल गया क्रिश 2 हो, ये सारी की सारी फिल्मों में ऋतिक ने जो बॉक्स ऑफिस पे दबदबा बनाया था, आप तभी शायद बहुत छोटे होंगे। वी हैव सीन द यूफोरिया ऑफ क्रिश, चाहे वो फेस मास्क हो, वाटर बॉटल्स हो, पेंसिल बॉक्स हो, स्टिकर हो, हर जगह जो मर्केंडाइज रहती थी ना, बहुत रेयर था हमारी इंडस्ट्री में मर्केंडाइज, यू नो कलेक्टिबल्स। ऋतिक रोशन बॉट इन दैट, ऋतिक का मास्क हो, लेदर वाला हाथ में बैंड हो क्रिश का, पागलपना है वो। एंड गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि गदर 2 का नॉस्टैल्जिया देखकर आपने जिंदगी में सब कुछ देख लिया है, एक बात याद रखना, जिस दिन क्रिश वापस लौटेगा, नॉस्टैल्जिया क्या होता है ना और बॉक्स ऑफिस क्या होता है, ये तुम लोग देखोगे। फॉर मी, एंड मैंने बहुत बार अपने यू नो जितने भी एपिसोड्स में उसमें अनअबैशडली कहा है, फॉर मी ऋतिक एंड विवेक क्रैशिंग इनटू द बिल्डिंग्स इन क्रिश 3 इज बिगर देन एनी हॉलीवुड फिल्म। और मुझे कोई शर्म भी नहीं है ये सब चीजें बोलने के लिए, क्योंकि गाइस फॉर मी माय इंडियन फिल्म्स आर द बिगेस्ट एंड द बेस्ट फिल्म्स। वो अटेम्प्ट जो राकेश रोशन ने 2013 में किया था, दैट विल ऑलवेज बी एग्जेम्पलरी। ऋतिक कैचिंग द यू नो व्हील्स ऑफ अ प्लेन एंड लैंडिंग ऑन टॉप इज आउटस्टैंडिंग। ऋतिक रनिंग विद द हॉर्स, एंड जो गोला है ना ऐसा निकल रहा था। फॉर मी क्रिश, ऋतिक, रोहित, जादू विल ऑलवेज रिमेन इमॉर्टल। एंड सिद्धार्थ आनंद ने सिर्फ आज की दोपहर नहीं, आज का दिन नहीं, आज का हफ्ता नहीं, बल्कि आज का पूरा महीना और साल बना दिया है। सिद्धार्थ आनंद हैज ऑफिशियली कंफर्म कि यस, क्रिश इज ऑन। यस फ्रेंड्स, एंड इसमें सिद्धार्थ आनंद जो है वो भी एसोसिएटेड जो है यहाँ पर होने वाले हैं। तो गाइस सिद्धार्थ आनंद अपने माफ्लिक्स प्रोडक्शन हाउस जो है उसका पंख और फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो प्रोजेक्ट्स जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं होने वाली है। आई एम गोना बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, नायक 2 जो है यहाँ पर आनंद मुकुट ने साफ साफ मना कर दिया है कि राइट्स उसके पास है। सिद्धार्थ आनंद कौन सी नायक 2 बना रहा है उसको मालूम नहीं, मिलन लुथरिया के साथ। रैम्बो शेल्व हो चुकी है फॉर द रिकॉर्ड, मुझे कोई मजा नहीं आएगा यू नो टाइगर श्रॉफ को यहाँ पर फेवर करके या फिर उसके फैंस को वो बोल के हाँ रैम्बो बनने वाली है, झूठी सहानुभूति में देने के लिए बैठा नहीं हूँ। रैम्बो नायक 2 नहीं बनने वाली है। जुअल थीफ सैफ अली खान के साथ मार्फ्लिक्स बना रहे गाइस यहाँ पर, एंड द ओनली प्रोजेक्ट मार्फ्लिक्स राइट नाउ हैज इज किंग। किंग में सिद्धार्थ आनंद को फ्री हैंड दिया है, समझ लो वही डायरेक्टर इस पिक्चर का। सुजय घोष यहाँ पे स्क्रीन प्ले पोर्शन लिख रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद पूर्ण तरीके से शाहरुख खान एंड सुहाना खान की फिल्म जो है किंग, उसके एक्शन ब्लॉक्स डिजाइन कर रहा है। लेकिन द बिगेस्ट न्यूज इज क्रिश 4 में मार्फ्लिक्स यानी कि सिद्धार्थ आनंद का प्रोडक्शन हाउस अब ऑफिशियली ऑन बोर्ड आ चुका है। अब क्या सिद्धार्थ आनंद क्रिश बनाएगा
ये अब यहाँ पे बैठ के मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, एंड अगर ऐसा हुआ, ही इज द बेस्ट मैन टू डायरेक्ट एनी मास एक्शन फिल्म अंटिल एंड अनलेस वो बहुत सारा अननेसेसरी इमोशन डाले एंड ड्रामा डाले, उसमें सिद्धार्थ आनंद जरा एक्सेल नहीं करता। एक्शन ब्लॉक्स में सिद्धार्थ आनंद कोई पकड़ नहीं सकता। तो अगर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहा है क्रिश 4 को, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि राकेश जी अभी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर इतनी बड़ी फिल्म जो है अपने कंधों पर लेकर आगे जाना थोड़ा कठिन होगा ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशंस। लेकिन अगर राकेश रोशन इज कमिंग बैक विद द हेल्प ऑफ सम एडीज ओवर हियर, अगर सेट्स पर मौजूद भी है, उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन हिमसेल्फ कैन डायरेक्ट दिस फिल्म। बहुत सारे थियोरीज है गाइस, हमने बहुत बात की है पिछले 4 सालों तक यहाँ पर क्रिश को लेकर, चाहे वो टाइम ट्रेवल हो, जादू की वापसी हो, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है गाइस, इंक्लूडिंग द विलन्स। लेट्स सी क्या वो स्क्रिप्ट होती है, किस तरह की स्क्रिप्ट होती है, ये तो जब फिल्म जब फ्लोर पर जाने के नजदीक आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन 3-4 सालों में क्रिश को लेकर सबसे अच्छी खबर ये आई है कि सिद्धार्थ आनंद हैज कम ऑन बोर्ड एंड माफ्लिक्स प्रोडक्शन जो उनका प्रोडक्शन हाउस है वो यहाँ पर ऋतिक के साथ मिलकर क्रिश 4 जो है वो बनाने वाला है। सो गाइज दिस इज ह्यूज, दिस इज द ऋतिक रोशन वी वॉन्ट, दिस इज द ऋतिक रोशन वी वॉन्ट टू सी ऑन द बिग स्क्रीन। एंड गाइज अब मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। ही इज कमिंग #क्रिश 4 सिद्धार्थ आनंद रिप्लाइज येप ही इज। तो गाइज लेट्स सी क्या होता है, आने वाले समय बहुत ही एक्साइटिंग होगा, क्योंकि गाइज वॉर 2 जो है ऋतिक ऑब्वियसली यही साल जो है रैप अप कर देगा, एंड उसके बाद ऋतिक रोशन के पास कोई फिल्म नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऋतिक ये फिल्म कर रहा है वो फिल्म कर रहा है, नहीं, ऋतिक रोशन इज प्लानिंग टू ब्रिंग रोहित मेहरा बैक। ऋतिक रोशन इज कमिंग बैक एज कृष्णा इन नॉट देन क्रिश 4। जादू की वापसी होगी, कृष्णा की वापसी होगी, टाइम ट्रेवल से रोहित मेहरा को वापस लाया जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल थियोरीज है यहाँ पर इस फिल्म को लेकर, जो कि गाइस अगर सही तरीके से बैठे यू विल विटनेस वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स। ये हजार करोड़ है ना, ये सब मस्ती हो जाएगी इस फिल्म के लिए, ऐसा तोड़म ताड़ी कर देगी ना बॉक्स ऑफिस पर। उस समय जहां पर पैन इंडिया का कीड़ा उत्पन्न भी नहीं हुआ था, आई एम ऑलवेज वोकल अबाउट ऋतिक रोशन, क्योंकि ऋतिक रोशन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, हम बचपन से लेकर अब तक ऋतिक रोशन को फिल्में देखकर बड़े हुए गए। यहाँ पर ही इज पार्ट ऑफ अ चाइल्डहुड अ टीनेज टिल नाउ। ऋतिक रोशन ने जो पैन इंडिया फाड़ा था ना, उसकी तेलुगु तमिल डब रहती थी ना, धूम टू तुम लोग क्या देखे हो, तुम लोग ऋतिक रोशन का क्या स्टारडम देखे हो, मेरे को बताओ अब तक क्या देखे हो तुम लोगों ने, मैं तुमको बताता हूँ। मेरा वीडियो है 30-40 मिनट का, उसमें मैंने ऋतिक रोशन के स्टारडम के बारे में बात की है। परिमला सिनेमा था यहाँ पर सिटी मार्केट बैंगलोर में, यहाँ धूम टू लगी थी, 4 दिन है ना, 4 दिन की टिकट नहीं थी, 4 दिन की 1 किलोमीटर लाइन थी परिमला थिएटर से बस स्टैंड तक, सिपालिया बस स्टैंड तक इतनी लंबी लाइन लगती थी ना कि सीट नंबर नहीं रहता था, सिर्फ टिकट रहती थी हाथ में, और डंडा लेके मारती थी पुलिस, सीट पकड़ते थे, और मिस्टर का जो किरदार था ना, नोबडी कैन इमेजिन अ फिल्म लाइक दैट, नोबडी कैन डू अ फिल्म लाइक दैट ऑफ ऋतिक रोशन। उसके बाद जब ये फिल्में आई, स्पेशली क्रिश 3 जब आई थी ना गाइस, लिटरली इट वॉज आउटस्टैंडिंग, कोई मिल गया क्रिश 3, यू नो, उसके बाद क्रिश, सारी की सारी फिल्में बेंचमार्क है। अगर धूम 4 बना भी रहे हो ना, आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन को आंख बंद करके ले लो, ही इज जस्ट मैडनेस, मिस्टर ए रिटर्न्स। ऑल सेड एंड डन, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए, मैं चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन जल्द से जल्द वॉर 2 जो है उसकी शूटिंग समाप्ति होने के बाद क्रिश 4 जो है ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, द राइटर्स, राजेश रोशन जो इसका म्यूजिक दे रहे हैं, सिद्धार्थ आनंद, मार्फिक्स, सारे के सारे लोग मिलकर एक कंक्लूजन पर आए, एंड इस फिल्म को नेम से एक तो एटलीस्ट स्टार्ट करे, ताकि गाइज हमारी जो यादें हैं, हमारे जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए इस फिल्म से, वो यहाँ पर बड़े पर्दे पर आए, ताकि जितना पैसा लगे इस फिल्म को बनाने के लिए उतना लगाओ, एंड इसमें एक्शन दिखाओ, इसमें फाड़म फाड़ी दिखाओ, इसमें क्रिश को बस उड़ता हुआ दिखा दो, मजा आ जाएगा उसमें, उसी में सब सफल है, क्योंकि अब मुझे सब दिखाई दे रहा है वहां, मैं सब देख भी सकता हूँ, सब सुन भी सकता हूँ। अरे भैया क्या पुरानी यादें ताजा कर दिए सर, आपको क्रिश 4 में विलन बनना है, बन जाएंगे भाई, बन जाएंगे, विलन बना दीजिए हमको सर, उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ओके गाइस, जो पसंद है प्लीज चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। कितने एक्साइटेड आप क्रिश 4 के लिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।